हाँ जी ओके ठीक है। हियर वी आर हैविंग टू नेगेटिव टर्म्स, दो नेगेटिव टर्म्स हैं हम लोगों के पास, और जो है दो टर्म्स जो परफेक्ट क्यूब्स नहीं है, टोटल फोर टर्म्स हैं। इट मींस ए माइनस बी होल क्यूब या ए प्लस बी होल क्यूब, बट सिंस द नेगेटिव टर्म्स आर ऑल्सो देयर तो ए माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, तो जो क्यूबिक वाली है उनको परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में लिख लो। उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या होता था, माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। अब ए यहाँ पे क्या है आपका ये, और बी क्या है यहाँ पे ये, मैं कैपिटल यूज कर रही हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ। ये आपके पास ए आ गया, ये आपके पास बी आ गया। अब हमने इनकी स्प्लिटिंग जो है वो करनी है, वो चेक करने के लिए क्या किया, माइनस थ्री इंटू ए की जगह मैंने पुट किया फोर ए, और बी की जगह मैंने पुट किया थ्री बी, और यहाँ पे ए माइनस बी यानी कि फोर ए माइनस थ्री बी। अब इसको मल्टीप्लाई करो, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री जा 36 ए बी, फोर ए माइनस थ्री बी। अब यहां से हमने क्या करना है, 36 ए बी कॉमन लेना है और चेक करना है कि ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये ए माइनस बी फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, तो 144 ए स्क्वायर बी और 108 ए बी स्क्वायर में से -36 ए बी मैंने कॉमन ले लिया। 144 में से 36 बाहर लोगे कॉमन लोगे फोर रह जाएगा, ए स्क्वायर बी में से ए कॉमन लोगे ए रह जाएगा, माइनस प्लस था तो माइनस इंटू माइनस यहाँ माइनस आ गया, 108 में से आपने बाहर लिया 36 तो थ्री रह गया, ए बी स्क्वायर में से आपने कॉमन 30 ए बी लिया तो दिस विल बी ए बी, ए बी स्क्वायर है क्योंकि आपके पास, तो -36 ए बी फोर ए माइनस थ्री बी ये चीज बन रही है। इसको अगेन रीराइट करो, बैक स्टेप जाएंगे इसमें ऊपर वाला, ये आप रफ में करके देख सकते हो। ठीक है, सो दिस विल बी फोर ए होल क्यूब माइनस थ्री बी होल क्यूब माइनस 36 ए बी को मैं थ्री इंटू फोर ए इंटू थ्री बी लिख लूंगी। तो यहाँ पे हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ए और बी हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद इस तरीके से हम पता लग जाएगा हमें हम क्या चीज कॉमन ले रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली जो है हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो जो यहाँ से हमें मिला था दैट फॉर्म में, इस स्टेप के बाद यानी कि ये वाले दोनों स्टेप्स आपने रिवर्स चलाने हैं, ये आ जाएगा। अब ये मुझे पता है फॉर्मूला मेरा बन रहा है ए माइनस बी होल क्यूब, फैक्टराइजेशन है क्योंकि, तो दिस विल बी फोर ए माइनस थ्री बी, फोर ए माइनस थ्री बी इंटू फोर ए माइनस थ्री बी, सो दिस विल बी योर आंसर। वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस सेम टाइप वी विल डू। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज अगेन इन दिस फॉर्म ओनली, बट उसमें फ्रैक्शन हमें साथ में गिवन है। तो द क्वेश्चन इज 27 पी क्यू माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। फोर टर्म्स है जिसमें से 27 पी क्यूब परफेक्ट क्यूब है, 1/216 भी परफेक्ट क्यूब है, नेगेटिव टर्म्स साथ में आ रही हैं, तो अगेन ए माइनस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला बनाना है। तो 27 पी क्यूब कैन बी रिटन एज 3p, दिस इज 1/6 होल क्यूब माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी में से आप क्या कॉमन ले सकते हो,
या यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, अगर दिमाग नहीं हमने ज्यादा लगाना, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। तो ए हमारे पास 3p है, बी हमारे पास 1/6 है, ये एज इट इज आ जाएगा। माइनस थ्री इंटू ए की जगह 3p, बी की जगह 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। तो ये आपका कैंसिलेशन हो गई, 3 2s are, तो ये बन गया माइनस 3p/2 इंटू 3p माइनस 1/6। अब पता लग गया क्या कॉमन लेना है, 9/2 और 1/4p में से वी विल टेक माइनस 3p/2। अगर मैं इसको वैसे देखती तो मैंने 1/2 बाहर लेना था, मुझे 3p नहीं पता लगना था। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा क्या आपने कॉमन लेना है, एंड देयर यू विल टेक। तो माइनस 3p/2 इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, 9/2 में से 3/2 आपने बाहर लिया, तो यू आर लेफ्ट विद 3, और पी स्क्वायर में से p बाहर लिया, तो यू आर लेफ्ट विद p। देन माइनस बाहर ले लिया, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो, 1/4 में से यू आर टेकिंग 3/2 एज कॉमन, तो 1/4 में से आप 3/2 बाहर ले रहे हो अगर, तो इट मींस आपको इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2/3 से आपने मल्टीप्लाई किया, ये हमने बाहर ले लिया, व्हाट वी आर लेफ्ट विद 1/6। नहीं समझ आता अगर क्या किया है तो सीधा ये लिख दो, ये वाला स्टेप बना लो इधर, और फिर ये स्टेप एज इट इज यहाँ पे कॉपी करो। अब ये रीराइट कर लो, 3p माइनस 1/6, या पहले उस फॉर्म में लिखो, 3ab की फॉर्म में इसको हम लिखेंगे, माइनस 3 इंटू 3p इंटू 1/6, ये वाला स्टेप मैंने लिख लिया, रिवर्स ऑर्डर में गए, इंटू 3p माइनस 1/6 एज इट इज। अब ये फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। सो दिस इज ए माइनस बी होल क्यूब, सो दिस इज 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। सो दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नोट डाउन हो गए वैभव? डन बेटे? Now the next question number 3 है आज के लिए, 27y³ plus 125z³। Now I am having two terms only, और दोनों के दोनों terms मेरी cube में है, तो a cube plus b cube वाली form बन रही है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ ए माइनस बी होल क्यूब, करेक्शन कर लो, आई हैव रिटन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दिस इज ए माइनस बी होल क्यूब। इन योर प्रीवियस क्वेश्चन मेक द करेक्शन ओवर हियर, यहाँ पे भी क्यूब है, मैंने जल्दी में फॉर्मूला गलत लिख दिया था, तो मेक द करेक्शन ओवर देयर। नाउ दो टर्म्स हैं, दोनों की दोनों क्यूबिक हैं, और बीच में प्लस का साइन है, तो हियर वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है जी? बिल्कुल ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस लेना है, और सेकेंड ब्रैकेट में जहां ए और बी आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं वहां आपने माइनस का साइन देना है। और यहां ध्यान रखना है 2 आगे नहीं आएगा, इट्स नॉट 2ab, इट्स ओनली ab। सेम वे में अगर नेगेटिव है यहाँ पे
तो फर्स्ट ब्रैकेट में आपका माइनस का साइन आ जाएगा और सेकंड ब्रैकेट में सभी टर्म्स आपने क्या लेके चलनी है, पॉजिटिव। तो एट अ टाइम या फर्स्ट ब्रैकेट में नेगेटिव साइन आएगा, जैसे यहाँ आ गया, सेकंड में नहीं आएगा। फर्स्ट में अगर पॉजिटिव आया है तो सेकंड में नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि एट अ टाइम दोनों ब्रैकेट में से एक में आपका नेगेटिव साइन आना है, वो भी सेकंड ब्रैकेट में, तब जहां पे आपका ए बी है और ए बी के आगे टू नहीं है, ये याद रखना। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब 27 y क्यूब इज द क्यूब ऑफ 3y एंड 125 इज 5z। चलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 3y प्लस 5z इंटू माइनस 3y इंटू 5z। तो ये ध्यान रखना है आपने। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 15 y z। इससे फर्दर ये फैक्टराइजेशन आपकी नहीं होगी, फैक्टराइजेशन नहीं थी ये, हाँ फैक्टराइज कर रहे थे, तो इससे फर्दर ये आपका फैक्टराइज नहीं होगा। क्लियर, चलो अब अगला खुद करो, दैट इज 64 m³ माइनस 344 z³। 64 m³ माइनस 343 z³। 64 किसका क्यूब है और 343 4 हाँ 4 का और 343 7 का। चलो करो अब, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो डू दिस बच्चे। डन। क्या आएगा, दिख रहा है नीचे के ऊपर लिख दूं, चलो मैं ऊपर लिख देती, ये स्टेप दिख गया फर्स्ट वाला, क्लियर है। चलो इससे आगे इधर लिख रही हूँ मैं, हाँ जी 4m माइनस 7z, ठीक है फर्स्ट ब्रैकेट आ गई, सेकंड ब्रैकेट फोर एम इंटू 7z। बिल्कुल ठीक, सिट डाउन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो चेक योर आंसर, दिस इज 4m माइनस 7z इनटू 16m स्क्वायर प्लस 49z स्क्वायर प्लस 28mz। सो ये आपके इस तरह के क्वेश्चंस हैं, सिंपल हैं ये, अगर दो ही टर्म्स हैं, क्यूबिक हैं दोनों, तो या a क्यूब प्लस b क्यूब या a माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज 1 माइनस 64 a³, 1 माइनस 64 a³ माइनस 12 a प्लस 48 a²
कौन सी फॉर्म बन रही है? ए माइनस बी होल क्यूब, क्योंकि दो टर्म्स क्यूबिक है और फोर टर्म्स हैं टोटल, और बीच में नेगेटिव साइन भी है. दिस इज एंड दिस इज दिस. चलो आगे का मुझे बताओ आप क्या लेंगे. जैसे मैंने बताया था कि ऐसे कॉमन लेके करो. डू दिस नाउ. दो टर्म्स हैं बच्चे आपके इसमें क्यूबिक, 1 and 64 a cube, और टोटल यू आर हैविंग फोर टर्म्स. तो या a प्लस बी होल क्यूब या a माइनस बी होल क्यूब बनेगा, बट क्योंकि नेगेटिव साइंस आर आल्सो देयर तो a माइनस बी होल क्यूब आपका बनेगा ये. तो a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म में इसको अब हमने लिखना है. यस दिया. मैम 1 cube minus 4 a cube minus 3 1 square 4a plus 3 1 4a square. चलिए हमने यूजिंग आइडेंटिटी पर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लिया. नाउ द नेक्स्ट स्टेप यूजिंग आइडेंटिटी 1 minus 4a whole cube. आइडेंटिटीज बच्चे साथ में लिख लेना एंड क्यूबिक में नहीं छोड़ना. सो दिस विल बी योर आंसर. डन. आगे आंसर. आपने क्या करना है, माइनस 12 ए कॉमन ले सकते हो, अदरवाइज अगर 3 ए बी इंटू ए माइनस बी वाली फॉर्म यूज कर रहे हो तो 1 का क्यूब माइनस 4 ए का होल क्यूब माइनस 12 ए कॉमन ले लो, तो यू विल बी हैविंग 1 माइनस 4 ए. तो माइनस 12 ए को यू कैन राइट डाउन इन दिस वे. सो ये आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए माइनस बी होल क्यूब. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे आएंगे. नेक्स्ट में हमने क्या करना है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट. अब हमें फैक्टर्स गिवन है, वी आर टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6 नाउ. x by 2 plus 2y, x square by 4 minus xy plus 4y square. होल क्यूब क्यों? ये x by 2 है, ये 2y है. सेकंड ब्रैकेट अगर मैं ऑब्जर्व करती हूँ, ये x by 2 का स्क्वायर है, ये 2y का स्क्वायर है, और ये दोनों का क्या है, हाँ प्रोडक्ट. तो ये क्या फॉर्म बनी, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. सो दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नॉट होल क्यूब. ठीक है, सो दिस कैन बी री रिटन एज x by 2 प्लस 2y. यहाँ पे कोई जो है किसी का स्क्वायर नहीं है, कोई फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है. And this is x by 2 whole square minus x by 2 into 2y ab plus b ka square. So, ye aapki form ban rahi hai, a plus b into a square minus ab plus b square. So, ye formula aapka kya hai, a cube minus b cube. So, this is x by 2 cube minus 2y cube, that is x cube by 8 minus 8 by प्लस साइन आएगा. फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस है तो हेयर इट विल बी प्लस. ठीक है, चलें अगले पे. हो गया कंप्लीट. नेक्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1.
तो दिस इज ऑफ द फॉर्म ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. ध्यान आपको रखना पड़ेगा दो ब्रैकेट्स आपको प्रोडक्ट के लिए गिवन है. दो ब्रैकेट्स में फर्स्ट वाली में टू टर्म्स हैं, सेकंड वाली में थ्री टर्म्स हैं, और सेकंड वाली ब्रैकेट्स में इनके स्क्वायर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा. सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर फोर इज स्क्वायर ऑफ टू, वन इज स्क्वायर ऑफ वन, and this is of the form x square into 1. So a cube minus b cube. So this is x to the power 6 minus 1. चलिए next. a cube minus 2 root 2 b cube. कितनी टर्म्स हैं? तो फॉर्मूला किसका बनेगा? बीच में माइनस साइन है, a cube minus b cube. 2 root 2 किसका क्यूब बनता है? यस मिलन, जस्ट अ मोमेंट बेटे. हां जी, टू रूट टू किसका क्यूब है? योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल मिलन. एनीवन एल्स? फैक्टर्स बनाओ टू रूट टू के. किसको तीन बार मल्टीप्लाई करूं कि रूट टू आएगा, टू रूट टू आएगा? ये है मेरे पास. ठीक है, टू रूट टू. हाँ ठीक है, तो टू रूट टू है. एक तो रूट टू है ही है. अब टू के फैक्टर्स बनाने हैं कि वो क्यूब बने. क्यूब के लिए वन पावर आई एम हैविंग, तो टू को क्या लिख लोगे? इंटू टू इंटू रूट टू. तो दिस इज रूट टू होल क्यूब. ठीक है जी, तो ये चीज ध्यान रखनी है. अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो. क्या फॉर्मूला है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. बी की जगह रूट टू बी है हमारे पास. ठीक है जी, सो दिस इज योर आंसर. Now moving on to the next. इस साइड आ जाओ या उधर चले जाओ, बेंच छोड़ देना बीच में. चले अब नेक्स्ट टाइप पे. अब विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, वैसे ये फॉर्मूला आपका बेस्ड ऑन दिस जो क्वेश्चंस हैं दैट आर डिलीटेड, बट विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग वाले क्वेश्चंस इसमें आपके आएंगे. दैट आर ए क्यूब. फॉर्मूला क्या है आपका? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूला पे जो फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन है दैट आर डिलीटेड. सिर्फ विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग वाले आएंगे, जिसमें क्या होगा आपका जो सम्स होंगे a प्लस बी प्लस सी का जो सम बन रहा होगा वो आपका जीरो होगा. तो a प्लस सी प्लस a प्लस बी प्लस सी व्हेनेवर दिस इज इक्वल टू जीरो, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल हो जाता है? सी ए बी सी के. यानी कि जो भी आपको ए बी सी की वैल्यू गिवन होगी आप उनका सम चेक कर लोगे. अगर वो सम इक्वल टू जीरो बन रहा है तो आपको इनके क्यूब्स के सम की वैल्यू निकालनी है, तो उसको कैसे निकालोगे? सीधा
तीनों के प्रोडक्ट को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फैक्टराइज है ये, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 और 10। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फैक्टराइज एक्स माइनस टू बाय होल क्यूब, टू वाई माइनस थ्री जेड होल क्यूब, थ्री जेड माइनस एक्स होल क्यूब। अब बिना क्यूब्स को कैलकुलेट किए हमें इसको फैक्टराइज करना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू आर सिंपली टू चेक इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो तो फैक्टर्स क्या लिख दोगे, इन तीनों का प्रोडक्ट विद 3, ठीक है। तो 3 abc की फॉर्म में आप इसको लिख दोगे। पहले इनके सम्स चेक कर लो, x माइनस टू वाई प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड प्लस थ्री जेड माइनस एक्स। अब ये प्लस x माइनस x कैंसल्ड, माइनस टू वाई प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड प्लस थ्री जेड दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो x माइनस टू वाई होल क्यूब प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड होल क्यूब प्लस थ्री जेड माइनस एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स a, a की जगह x माइनस टू वाई, b की जगह टू वाई माइनस थ्री जेड, और c की जगह थ्री जेड माइनस एक्स। सो ये फैक्टराइजेशन हो गई विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। तो बिना हमने क्यूब्स को कैलकुलेट किए वी हैव फैक्टराइज। तो सिंपली आपने चेक करना है कि जब भी 3 के क्यूब्स आपको आएंगे कि आपने ये करना है, साथ में ये जरूर लिखा होगा। और इसके लिए आपने क्या करना है, उनके सम को चेक कर लो, वो जीरो है तो सीधा 3 टाइम्स जो भी 3 टर्म्स यहाँ पे गिवन है वो आपने ब्रैकेट में लिख देनी है। किसमें में इनको कह रहे हो, तो फिर वापस वही हाँ किस नहीं जीरो नहीं बनेगा, दिस क्वांटिटी विल बी नॉन जीरो, दिस विल बी नॉन जीरो। नहीं पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर जो उनका रिजल्ट आएगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि वो तो फिर 27 से मल्टीप्लाई कर दिया ना आपने, ठीक है। पहले 3 को चाहे इससे कर लो, जो वो आया आपका यानी कि 3x माइनस 6y उसको इससे कर लो, फिर उसको इससे कर लो, बट उसने क्योंकि फैक्टराइज का है तो हम इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हमने फैक्टर्स की फॉर्म में छोड़ दिया। नेक्स्ट 1/2 होल क्यूब प्लस 1/ सेम है, ऊपर क्वेश्चन सेम है, 1/2 होल क्यूब प्लस 1/3 होल क्यूब माइनस 5/6 होल क्यूब। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फैक्टराइज की जगह फाइंड द वैल्यू ऑफ, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 होल क्यूब प्लस 1/3 होल क्यूब माइनस 5/6 होल क्यूब। तो अगेन क्योंकि ये वाली फॉर्म आपकी बन रही है तो सिंपली चेक करो a प्लस बी प्लस सी जो है दैट इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी वाली फॉर्म ले रहे थे तो नेगेटिव साइन आप अंदर ले लोगे, यानी कि a इज 1/2, b इज 1/3, c इज 5/-5/6। सिक्स विल बी योर एलसीएम। सो दिस इज इक्वल टू जीरो।
तो इनके क्यूब्स जो हैं दैट विल बी इक्वल टू 3 इनटू ए इनटू बी इनटू सी, नेगेटिव विल बी योर आंसर. ये जीरो आ गया, यहाँ तक आ गया, क्लियर. अब इट मींस कि 1/2, तो दिस इंप्लाइज 1/2 होल क्यूब प्लस 1/3 होल क्यूब प्लस माइनस 5/6 होल क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 1/2 इंटू 1/3 इंटू माइनस 5/6. अब इसको क्योंकि कैलकुलेशंस हैं तो सिंप्लीफाई कर लोगे. हाँ जी, हाँ जी, माइनस 5/12 विल बी योर आंसर. ठीक है, तो अगर तो फैक्टराइज की फॉर्म में आता है तो आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है, बट इफ अगर इस फॉर्म में आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आप पूरा सिंप्लीफाई करके सिंगल वैल्यू यू विल गिव. नाउ 1 मिनट इज लेफ्ट, तो नेक्स्ट टाइप वी विल डिस्कस टुमारो. कल हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है और x प्लस वाई इक्वल टू मान लो 4 गिवन है और उस पे बेस्ड कोई फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है. इफ एनी डाउट इज देयर फ्रॉम टुडेज लेक्चर, देन आई एम गिविंग यू द ऑप्शन.